गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुरवांग मंत्री और आज मैं आपको मेरे कॉलेज के आखिरी दिन के बारे में बताऊंगा। वेल, कल हो चुका मेरा आखिरी दिन। हमारा फाइनल प्रोजेक्ट का वाइवा था, सो हमें फॉर्मल कपड़े पहनने पड़े बिकॉज इंप्रेशन जमाना पड़ता है। फिर बैग पैक किया और देखते ही देखते हम हाईवे पहुँच गए। फिर जैसे ही कॉलेज पहुँचे, दोस्तों के साथ हमने फिर प्रेजेंटेशन की फाइनल पिचिंग कर ली। फिर हमें करना था वेट क्योंकि एक्सटर्नल फैकल्टी अभी तक पहुंची नहीं थी। और जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, मैं घर पे पहुंचा, दोपहर हो चुकी थी एंड आई वाज डेड टायर्ड। बट यही ख़त्म नहीं होता है बिकॉज आखिरी दिन था तो हमारे क्लास के बंदों ने फेयरवेल पार्टी अरेंज की थी। अभी एक्चुअली जूनियर्स आर सपोज टू गिव फेयरवेल पार्टी टू सीनियर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यहाँ कुछ और ही हो रहा था। हमारे क्लास के बंदे हमें ही फेयरवेल दे रहे थे, मतलब सेल्फ ऑब्सेशन लेवल इन्फिनिटी। ओके, सो जैसे ही शाम हुई, हम मस्त तैयार हुए और वेन्यू पे पहुंचे। और यहाँ हम पहुंच गए हैं ये होटल सुबह इलाइट फतेहगंज में। इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की पूरी फेयरवेल, ये सब हमारे ही क्लासमेट्स है। और क्या अरेंजमेंट की है यार, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी हॉल मिलेगी। वेन्यू पे पहुंचे तो फेयरवेल पार्टी में होना क्या था, बस नाच और गाना। फॉर्चुनेटली हमारे एक दोस्त की बर्थडे थी, एक्चुअली वो आज है। सो बाय द वे, मीतू काणी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एवरी वन। गो ऑन इंस्टाग्राम ऑन दिस आईडी एंड जस्ट स्पैम मीतू काणी विद बर्थडे विशेस। गो अहेड एंड डू इट। सो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, उसको पीटा, मस्ती में पीटा, प्यार से पीटा, ऐसा मतलब हाथ नहीं साफ किया। और वो सब खत्म हुआ तो ऑलमोस्ट 11:30-12 बज चुके थे घर पे यार, सो गए। सो ये था हमारा आखिरी दिन कॉलेज का, बस दिस इज इट। इट वॉज द एंड ऑफ अ फेज, द फेज कॉल्ड स्टडिंग बोल रहा हूँ, लर्निंग नहीं। सी, लर्निंग वाला फेज तो खत्म ही नहीं होने वाला, स्टडिंग वाला फेज खत्म हो गया है। समझ रहे हो बात की गहराई को, समझो। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।